ओम स्वामी जी, मेरा डिप्लॉयमेंट था जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद के ऊपर एक पटियाला पोस्ट पड़ती है, वहाँ हमारी यूनिट डिप्लॉय थी। तो वहाँ सूचना मिली खुफिया विभाग से कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी घुसपैठ करने वाले हैं। उसी सिलसिले में हमने 11 आदमियों की टोली लेके निकले हम, और वो 5 सूडान के मिलिटेंट्स थे, उनसे हमारी मुठभेड़ हुई जिसमें मुझे AK-47 का ब्रश लगा था यहाँ पे, और अंतर्गत हमने उन 500 मिलिटेंटों को मारा, और उस साल का वो सबसे सफल ऑपरेशन था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग बंगाल में हो गई, सिल्लीगुड़ी। तो मेरी मिसेज को यूट्रस में फाइब्रोड्स थे, हाँ, और उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका था, ठीक नहीं होते थे, हर बार दोबारा हो जाते थे। तो किसी ने मुझे वहाँ बताया कि आप आस्था चैनल देखो, 2004 की बात है ये जी। तो मेरी मिसेज ने आस्था चैनल देखा और साथ में आयुर्वेद की दवाई ली। 8 महीने उसने खूब योग किया और उसका जो है फाइब्रोड्स एकदम खत्म हो गया, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ऑपरेशन 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 दवा पे दवा, जब मैंने सोचा लूटे जा रहे पीटे जा रहे कि ये ठीक हो सकता है, तो उस ब्रेस्ट के अंदर जो मुझे गोली लगी थी उसका एक बुलेट जो है वो अंदर था, और जब डॉक्टरों को दिखाता था तो उन्होंने बोला कि ये आपका जो है कोल्ड अब्सिस हो गया, इसको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि आपकी मसल में सेट हो जाएगी, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 साल के बाद जब मैंने वो मैसेज वाला उदाहरण देखा और मैंने जब योग किया, तो 7 महीने के बाद खूब योग करने के बाद मुझे यहाँ थोड़ा सा फोड़ा सा हुआ और वो पका, और वो एक दिन मैंने दबाया तो वो बुलेट अपने आप बाहर निकल गया। ये बड़े जबरदस्त, एक आया था पहले उसको कांच फंसा हुआ था कई वर्षों से, उसका कांच निकल गया, इसकी बुलेट निकल गई। ये बुलेट तो पहली बार देखा मैं। क्या नाम भैया आपका? डॉक्टर सत्यनारायण जाजड़िया, मैं चूरू प्रभारी हूँ BST का। चूरू में और ये जो झुंझुनू है इस इलाके में ना आर्मी में बहुत लोग भर्ती होते हैं। एक बार जोरदार है मेरे, पूरा वीरता का इलाका है वो, शौर्य पराक्रम खूब जबरदस्त है। और अब ये इसने जीवन का ध्येय बना लिया कि उस समय तो देश की सेवा सीमाओं पर की, अब योग से सेवा करें, लगे हुए पूरे भारत माता की सेवा।